मेरे प्यारे लाडलों, जैसा कि आज पूरे भारत देश में हरतालिका व्रत बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, तो ये जो बेटा हरतालिका व्रत है, ये भाद्र महीने की शुक्ल पक्ष की तिथि को मनाया जाता है। अब हरतालिका शब्द बना है दो शब्दों से, हरि और तालिका। हरि माने होता है बेटा हरण करना, और तालिका माने होता है सखी, कि सखी के द्वारा हरण। अब आप सोच रहे होंगे सखी के द्वारा हरण, ये कैसा व्रत है? तो मेरे बच्चों, मैं आज आपको हरतालिका व्रत की जानकारी देने जा रही हूँ। ये व्रत सुहागिन महिलाएं जो शादीशुदा होती हैं वो करती हैं अपने पति की लंबी आयु के लिए, दीर्घायु के लिए। और जो कुंवारी कन्याएं होती हैं वो इस व्रत को करती हैं सुंदर अच्छा पति प्राप्त करने के लिए। इसमें शिव और पार्वती की आराधना की जाती है। तो मेरे लाडलों, इसमें वो 24 घंटे निराजल और निराहार रहती हैं, कुछ न खाती हैं न कुछ पीती हैं। उसके बाद बालू के पार्वती और शिव बनाए जाते हैं, उनकी पूजा की जाती है, जिसमें सभी महिलाएं 16 सिंगार करती हैं, लाल, अधिकतर लाल वस्त्र पहनती हैं, मांग में सिंदूर, माथे पे बिंदिया, आँख में काजल, ओंठ में लाली, कानों में बाली और गले में माला, हाथ में अंगूठी, चूड़ी, कंगन, मतलब उनके पूरे 16 सिंगार होते हैं। और वो 16 सिंगार जो होते हैं वो पार्वती मैया को चढ़ाए भी जाते पूजा करते समय, और शिव जी को जनेऊ, धतूरा, भांग, वस्त्र, उनके कपड़े सजाए जाते हैं। तो 24 घंटे व्रत रहने के बाद बिना कुछ खाए पिए अगले दिन सुबह उठ करके पार्वती मैया से अपना श्रृंगार लेती हैं। तो मेरे लाडले बच्चों, इसमें सोना वर्जित होता है, सोते नहीं हैं, और ये बहुत अधिक कठिन व्रत माना जाता है, क्योंकि बिना कुछ खाए पिए 24 घंटे रहना बड़ी मुश्किल बात है। इसके साथ साथ रात्रि में जागरण करना होता है। मेरे बच्चों, मेरे लाडलों, ये व्रत अति फलदायी है। सुख, सौभाग्य, सुख, शांति, सब कुछ देने वाला है, घर में ऐश्वर्य बढ़ाने वाला व्रत है, ऐसा माना जाता है। तो बच्चों, इसके पीछे एक कथा भी है, जैसे कि हर व्रत के पीछे होती है। एक बार माता पार्वती ने शिव जी को पति के रूप में वरण करना चाहा, तो बाल्यावस्था में ही उन्होंने अपने माँ से इच्छा जाहिर की कि माँ, मैं शिव से ही विवाह करना चाहती हूँ। लेकिन उनके पिताजी जो थे वो राजी नहीं हुए थे। वो सोचते कहाँ, वो कैलाश पर्वत पर रहने वाले, कोई वहाँ सुविधा नहीं, खुद बाघाम पर पहनते हैं, मेरी कन्या को क्या सुखी रखेंगे। तो क्या हुआ कि जो विष्णु भगवान है शीर्षैया में जो शयन करते रहते हैं, उनके पास से पार्वती के विवाह के लिए प्रस्ताव आया। जब प्रस्ताव आया इनके पिताजी बड़े खुश हुए, लेकिन पार्वती जो तो शिव को चाहती थी, उन्होंने जब सुना बहुत रोई, भूख प्यास सब हड़ताल कर दी उन्होंने। तो जो इनकी सखी थी, उनकी सहेली, उन्होंने पूछा क्या बात है, क्यों रो रही हो? उन्होंने बताया ऐसी ऐसी बात है, पिताजी मेरी विष्णु भगवान के साथ शादी करना चाहते हैं, जबकि मैं तो शिव जी को चाहती हूँ। तो उनकी जो सखी थी उन्होंने पार्वती जी का हरण कर लिया, उनको लेकर के चुपचाप जंगल में चली गई, और जंगल में जाकर एक गुफा थी, गुफा के अंदर पार्वती जी बंद हो गई, छुप गई, और वहाँ बैठकर शिव आराधना उन्होंने शुरू कर दी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। साल भर हो गया, अब वो ना कुछ खाती थी ना पीती थी, उन्होंने अन्न का त्याग कर दिया। 6 महीने तो कुछ खाया नहीं, कठोर तपस्या में लीन रही। उसके बाद वो केवल हवा पी कर ही रही, केवल हवा का आहार करती, कुछ नहीं लेती। साल भर हो गया, फिर भादों मास की
तृतीया तिथि आई, शुक्ल पक्ष था। शुक्ल पक्ष कहते बेटा जब आसमान में चंद्रमा निकलता है, और शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दो पक्ष होते हैं। जब चंद्रमा नहीं निकलता 15 दिन उसको कृष्ण पक्ष कहते हैं, जब चंद्रमा निकलता है उसे शुक्ल पक्ष कहते हैं। तो भादों की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि थी। उन्होंने बालू लिया और बालू का उन्होंने शिवलिंग बनाया। शिवलिंग बना करके उनको बेलपत्र वगैरह सब पूजन का सामान चढ़ाया। शिव जी इनकी तपस्या से प्रसन्न हो गए और प्रकट हुए, और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, मांगो, क्या मांगती हो, क्या चाहती हो। तो पार्वती मैया बोली, मैं आपको पति के रूप में वरण करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे पति हों। शिव जी बोले, तथास्तु, ऐसा ही होगा। तो इतना कठोर तपस्या करने के बाद माता पार्वती ने शिव जी को पाया। तो शिव जी ने कहा कि जो भी सुहागिन महिलाएं इस व्रत को करेंगी उनके पति की लंबी आयु होगी, सुख सौभाग्य ऐश्वर्य प्रदान उनको प्राप्त होगा, और जो कुंवारी कन्याएं होंगी जो इस व्रत को धारण करेंगी उनको सुयोग वर मिलेगा। तो मेरे लाडले, ये थी हरतालिका व्रत की कथा। फिर मेरे बच्चों, भोलेनाथ तो भोलेनाथ हैं, जिस पर भी कृपा कर दें। तो इस व्रत की मैंने आपको कथा सुनाई, इसका आपको महत्व बताया, और इसकी विधि भी बताई कि बिना कुछ अन्य जल किए इसको किया जाता है। आखिरी में मैं यही कहना चाहूँगी, अखंड सुहाग रहे सबका, अखंड सुहाग रहे सबका, माथे पे बिंदिया चमकती रहे, हाथों में चूड़ा पाँव में पायल, हाथों में चूड़ा पाँव में पायल, और सर पर चुनर लाल सजती रहे। हे तीज माता, सब पर कृपा रखना, और सभी मेरे दर्शकों को, सभी मेरे सब्सक्राइबरों को, सभी मेरे जो ये माँ की ममता चैनल है, इस बगिया के जितने मेरे सुंदर सुंदर फूल हैं, खूबसूरत फूल हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सबको तीजा की बहुत 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 शुभकामनाएं। मेरे लाडलों, सबको हैप्पी तीज। जिस तरह बहती नदी लौटकर वापस नहीं आती, उसी प्रकार दिन रात मनुष्य की आयु लेकर चले जाते हैं, जो कभी वापस नहीं आते। इसलिए मेरे बच्चों, भूतकाल की जो अच्छी यादें हैं उनको जीवन में संजो कर रखो, और वर्तमान में जो पल खुशी के मिले हैं उन्हें खुश होकर जियो। तो जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, आप सभी हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपने अपने कामों में व्यस्त मस्त रहें, और माता तीज मैया सबके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें, सबके घर में खुशहाली आए, सब लोग धन धान्य से संपर्क रहें, आप सभी निरोग रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। भाई सब बच्चों को टाटा बाय बाय।